यह कहानी उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वन में अपने 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। परंतु तभी लंका के राजा रावण से उनका बैर उत्पन्न हो जाता है। इस कारण वह दुष्ट रावण छल के द्वारा देवी सीता का अपहरण कर लेता है। तब भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए एक वन से दूसरे वन भटक रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम की भेंट सुग्रीव नामक एक वानर से हो जाती है। वानर सुग्रीव भी अपने भाई बाली के द्वारा अपनी पत्नी के छीन लिए जाने के कारण दुखी था। इस कारण भगवान श्री राम और सुग्रीव एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। वानर सुग्रीव भगवान श्री राम को सीता जी को तलाशने में उनकी सहायता करने का वचन देता है और भगवान श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी को वापस दिलाने का वचन देते हैं। भगवान श्री राम ने सुग्रीव और उसके भाई बाली के बीच मल्ल युद्ध कराया था और फिर सुग्रीव से मल्ल युद्ध कर रहे बाली को छिपकर अपने बाण से मार गिराया था। बाली बड़ा ही बलवान था, उसे सामने से कोई भी योद्धा नहीं मार सकता था। इस कारण भगवान श्री राम ने उसे छिपकर मारा था। बाली की मौत से उसकी पत्नी तारा बहुत ही दुखी हुई थी और उसने क्रोध में आकर भगवान श्री राम को यह श्राप दे दिया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को छिपकर मारा है, उसी प्रकार अगले जन्म में मेरा पति तुम्हें छुपकर मारेगा। तारा के श्राप के कारण ही बाली ने द्वापर युग में एक बहेलिए के घर में जन्म लिया था। उस जन्म में उसका नाम जरा था। जरा रात के समय में अपने धनुष बाण से पेड़ों पर बैठे पशु और पक्षियों का शिकार किया करता था। भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जन्म से एक चिन्ह था जो रात के अंधेरे में चमकता था और वही चिन्ह उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, यह बात सिर्फ महाबली भीम के पौत्र यानी घटोत्कच पुत्र बार्बरिक को पता चल गई थी। एक रात भगवान श्री कृष्ण आनंद से नदी के तट पर एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तब उनके पैर के नीचे चमकते हुए चिन्ह को देख शिकार पर निकले बहेलिए जरा को लगा कि वह किसी पक्षी की आंख है और उसने उसे लक्ष्य करके अपना तीर चला दिया था और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी।